सामने क्वेश्चन है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो जैसे हम 2 by 2 के लिए करते रहे, वैसे ही हम 3 by 3 के लिए भी हम कर देंगे। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी 2 1 1, और ये हो जाएगा 1 minus 2 minus 1, और ये हो जाएगा 0 3 minus 5। और वेरिएबल कैपिटल एक्स हो जाएगा एक्स वाई जेड, और बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 3 by 2, और ये 9 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए हम डिटर्मिनेंट ए हम कैलकुलेट करेंगे। सो डिटर्मिनेंट ए के लिए हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट कॉलम की तरफ से हम एक्सपेंड कर देंगे। तो ये क्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 times हो जाएगा -2 0 -2 3 -2 3 -1 -5 -1 1 3 1 -5 2 times, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 plus 3 minus कितना हो जाएगा -5 minus 3। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा 26 plus 8, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ जाएगी 34। अब देखिए हम क्या करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स हम कैलकुलेट करेंगे। सो a11 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a11 इज इक्वल टू ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा -2 3 -1 5, इसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 13। a12 इज इक्वल टू हमारा ऑलरेडी नेगेटिव होगा, और एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास 1 0 -1 -5 इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 आ जाएगी। a13 हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 0 -2 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। a21 हमारा ऑलरेडी हमारा नेगेटिव होगा, और एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 1 3 -5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +8 हो जाएगा। a22 हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 0 1 -5, तो ये हमारा आ जाएगा -10। a23 हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा ऑलरेडी नेगेटिव होगा, और एलिमेंट्स क्या मिलेंगे 2 0 1 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी -6 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, थर्ड रो के को फैक्टर्स निकालेंगे, तो a31 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 minus 2 1 minus 1, तो ये कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। a32 हमारा ऑलरेडी नेगेटिव एग्जिस्ट करेगा, तो एलिमेंट्स क्या मिल जाएंगे 2 1 1 minus 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +3। a33 हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 1 1 minus 2, सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी -5। अब देखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारी क्या आ गई है, मैट्रिक्स इज इक्वल टू आ गई है, ये हमारा हो गया 13 5 3, और ये हो जाएगा 8 minus 10 minus 6, और ये आपका 1 3 minus 5, तो ये तो भैया हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई है। अगर एडजॉइंट ए अगर हम निकालेंगे, एडजॉइंट ए तो वो क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स पर क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो यहां से एडजॉइंट ए
की जो वैल्यू आ जाएगी, एडजॉइंट ए हमारा हो जाएगा 13 5 3 और ये हो जाएगा 8 माइनस 10 माइनस 6 और ये हो जाएगा 1 3 माइनस 5। ये हमारा क्या आ गया, एडजॉइंट ए आ गया। और अगर हम ए इनवर्स अगर हम निकालेंगे तो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो यहां से ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये हमारे डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ चुकी है 34, तो 1 बाई 34। और ये हमारी जो मैट्रिक्स है ये 13 5 3 8 माइनस 10 माइनस 6 1 3 5, ये हमारा ए इनवर्स आ गया है। यहां -5 आएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड अगर हमें निकालना है तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इनवर्स बी। ये फॉर्मूला हमेशा आपको याद होना चाहिए। तो तभी आप क्या करेंगे, एक्स वाई जेड जितने भी वेरिएबल्स हों, तीन से ज्यादा की इक्वेशन हमारे पास सामने कभी आती नहीं है, तो लेकिन ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए। और ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है, ये है हमारा 1 बाई 34 और ये है हमारा 13 5 3 8 1 माइनस 10 3 -6 -5। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 1 3 बाई 2 एंड 9। तो यहां से एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ये कितना हो गया, 1 बाई 34 और ये हमारा हो जाएगा 13 13 प्लस हो जाएगा 8 इंटू 3 बाई 2, ये हो जाएगा 12 प्लस 9 एंड ये हो जाएगा हमारा 5 एंड -10 इंटू 3 बाई 2, ये हमारा हो जाएगा -15 -15 प्लस हो जाएगा 27 और ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस 6 इंटू 3 बाई 2, ये कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा -45। यहां से एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 बाई 34 और ये हो जाएगा हमारा 34 और ये हमारा हो जा रहा है, ये हमारा हो जा रहा है 17 और ये हमारा हो जा रहा है -51। तो अब क्या हो जाएगा, अब देखिए क्या हो जाएगा कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ये 34 सबके डिवाइड में हो जाएगा, तो 34 बाई 34 एंड 17 बाई 34 एंड -51 बाई 34। सो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 17 बाई 34 ये 1 बाई 2 और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, -3 बाई 2 17 के टेबल से। अब देखिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा कंपैरिजन से 1, y इज इक्वल टू 1 बाई 2 एंड z इज इक्वल टू हो जाएगा -3 बाई 2। बस यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है।